नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ ट्रेडिंग मार्केट में। दोस्तों आज हम आपके लिए पांच ऐसे पेनी स्टॉक लाए हैं जो हाईएस्ट टॉप ग्रोथ रेट स्टॉक में शामिल किए हैं दोस्तों अपने पोर्टफोलियो में। तो जो भी पेनी स्टॉकों का हाईएस्ट रिटर्न्स देखने को मिलेगा ये पिछले एक ईयर्स में और सिक्स मंथ में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिलेगा दोस्तों। तो जो भी पेनी स्टॉक होगा स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और जिसका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और डेबिट फ्री होनी चाहिए और प्रमोटर काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, साल दर साल बढ़ना चाहिए और एक ईयर्स में हाईएस्ट रिटर्न्स होनी चाहिए। हम अपने पोर्टफोलियो में पांच शामिल किए हैं। पहला जो हम आप पेनी स्टॉक आपके सामने लाए हैं, आप देख सकते हो ₹6 का पेनी स्टॉक है। चूँकि एक ईयर्स में रिटर्न्स की बात करूँ तो इसने 1407% का रिटर्न्स दिया है दोस्तों पिछले पास्ट ईयर में। वहीं मैक्सिमम चार्ट की बात करूँ तो एक समय ये आप देख सकते हो ₹20 के आसपास ट्रेड कर रही थी, फिर इसमें डाउनफॉल देखने को, लेकिन अब ये रिटर्न्स देना शुरू कर दिया है दोस्तों। वहीं एक ईयर्स में आप देख सकते हो एक समय ये 57 पैसे के आसपास हुआ करता था दोस्तों, 60 पैसे के आसपास। अगर उस समय आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते अगर 10,000 भी, तो ये ₹5,00,000 बना के दे देता। काफ़ी हाईएस्ट रिटर्न्स दिया है दोस्तों, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिला है। वहीं आप सिक्स मंथ में देखें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स आया है, 800% की तेजी दिखी गई है, जो कि एक बेहतर रिस्पांस देखने को मिला है। और सिक्स मंथ में भी अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करते तो आप देख सकते हो 2021 में अक्टूबर नवंबर में, तो अगर ₹1,00,000 भी बना के दे देता काफ़ी अच्छा रिटर्न। अगर ₹500 भी इन्वेस्टमेंट करते तो अगर ये ₹1,00,000 बना के दे देता दोस्तों। वहीं वन मंथ में आप देख सकते हो 134% का रिटर्न देखने को मिला है, 134% का रिटर्न सिर्फ वन मंथ में दिया है। मल्टीबायर जैसा रिटर्न दिया है, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं दे सकती, एक छोटी सी पेनी स्टॉक ने इसने काफ़ी कमाल कर दिया है दोस्तों। वहीं 5 डेज में आप देख सकते हो 21% का रिटर्न दिया है, सिर्फ 5 डेज में नहीं इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है। वहीं एक डेज के दौरान देखें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स आया है, देख सकते हो 5% की तेजी, लगभग 5% की तेजी देखी गई। और ट्रैक काफ़ी अच्छा बना रही है, अपर सर्किट लगा रही है दोस्तों, देख सकते हो काफ़ी अच्छा अपर सर्किट लगा रही है, काफ़ी अच्छा ट्रैक देखने को मिला है, कहीं डाउनफॉल देखने को मिला है, लेकिन कंपनी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हो। ये ₹10 भी अगर चल जाते हैं अभी भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर ₹10 भी अगर ये चल जाएगी प्राइस, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिल सकता है आपके साथ। तो चलिए इसको और तरह से एनालिसिस करके हम आपको बताते हैं दोस्तों। इस कंपनी का मार्केट कैप की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा इसका मार्केट कैप, 146 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस ₹6, हाई और लो की बात करूँ तो 32 पैसा से उठकर ₹6 हाई लगा चुकी है, आप देख सकते हो। वहीं बुक वैल्यू ₹1.17, डिविडेंट ईयर 0 देखने को मिला है। ROCE की बात करूँ तो माइनस में, ROE माइनस में, फेस वैल्यू ₹1। प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो 46% का प्रमोटर होल्डिंग है, डेट ऑफ इक्विटी 0 देखने को मिला है, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट माइनस में है। वहीं वॉल्यूम की बात करूँ तो काफ़ी हाईएस्ट वॉल्यूम देखने को मिला है। वहीं सेल्स की बात करूँ तो 0.1, डेट ऑफ इक्विटी की बात करूँ, डेट की बात करूँ कंपनी पे, कर्ज की बात करूँ तो काफ़ी कर्ज है, कोई कर्ज देखने को नहीं मिला है, डेबिट फ्री है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो डेबिट फ्री है। वहीं आप सेल्स ग्रोथ माइनस में देखने को मिला है। रिजर्व की बात करूँ तो 4 करोड़ का रिजर्व देखने को मिला है, जो कि 4,14,00,000 का रिजर्व है, लेकिन एक ईयर्स में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है, 1446% का रिटर्न्स दिया है दोस्तों। तो इस कंपनी का नाम बता दूँ, BSE पे लिस्टेड है और इस कंपनी का नाम है शार्प इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, आप देख सकते हो, जो कि एक काफ़ी अच्छा रजिस्टर्ड कंपनी नॉन बैंकिंग डिपॉजिट का काम करती है, काफ़ी अच्छा इसका सेक्टर भी है, लोन प्रोवाइडेड कर का काम करती है, फाइनेंशियल कंपनी है दोस्तों। तो इसको और तरह से एनालिसिस कर दिए हैं दोस्तों, तो आप इस शेयर को अपने बाय कंसीडर कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगला जो पेनी स्टॉक है जिसका करेंट प्राइस की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो ₹7.60 देखने मिला है, लेकिन एक ईयर्स में इसने हाईएस्ट रिटर्न्स दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं 700% का तेजी देखी गई, 744% का रिटर्न्स दिया है दोस्तों। अगर इसमें अगर 10,000 भी इन्वेस्टमेंट किए होते तो कल का ये मल्टीपल जैसा रिटर्न्स देखने को मिलता है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है दोस्तों। वहीं मैक्सिमम चार्ट की बात करूँ तो एक समय ये देख सकते हो ₹10 के आसपास ट्रेड कर रही थी, ₹5-10 के आसपास, फिर इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है दोस्तों, मल्टी वेलकम बैक शुरू कर दिया, मतलब बाउंस बैक कर दिया है दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स, अगर इसमें अगर 2021 में अगर पैसा लगाए होते अक्टूबर 2021 में ₹1.50 का था, आज देखिए तो ₹7.60, मतलब 5 गुना पैसा को 5 गुना 10 गुना कर दिया है दोस्तों, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है। वहीं सिक्स मंथ में आप देख सकते हो 245% की तेजी देखी गई है, सिर्फ सिक्स मंथ में इसने मल्टीबायर जैसा रिटर्न्स दिया है। बड़ी बड़ी कंपनियां 100% तेजी देखने को मिलता है एक ईयर्स में, लेकिन इसने छोटा सा पेनी स्टॉक इसने 245% का रिटर्न्स दिया है, जो कि एक बेहतर रिस्पॉन्स देखने को मिला है। वहीं वन मंथ में आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तेजी देखी गई है, सिर्फ वन मंथ में इसने 141% का रिटर्न्स दिया है दोस्तों, जो कि बेहतर रिस्पांस आया है, सिर्फ वन मंथ में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है। वहीं 5 डेज के दौरान देखें तो काफ़ी अच्छा ट्रैक बना रही है, तो आप यहां देखें तो काफ़ी अच्छा ट्रैक देखने को मिला है, लेकिन बेहतर रिस्पॉन्स भी देखने को मिला है, 19% की तेजी देखी गई सिर्फ 5 डेज के दौरान। वहीं एक डेज के दौरान देखें तो 5% का रिटर्न्स देखने को मिला है, एक डेज में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है दोस्तों। तो इस कंपनी का स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। तो इसको और तरह से एनालिसिस करके हम आपको बताते हैं। जिसका मार्केट कैप की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है, 1299 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस की बात करूँ तो ₹7.60 देखने को मिला है, हाई और लो की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो 60 पैसा से उठकर ₹8.40 हाई लगा चुकी है। बुक वैल्यू की बात करूँ ₹1.75 देखने को मिला है, और वहीं डिविडेंट ईयर 0 देखने को मिला है। ROCE 1.13% देखने को मिला है। ROE की बात करूँ तो
माइनस में देखने को मिला है, फेस वैल्यू एक रुपया देखने को मिला है, प्रमोटर ने 19% का प्रमोटर होल्डिंग है। देखो इक्विटी की बात करो तो 0.08 देखने को मिला है, नेट प्रॉफिट माइनस में देखने को मिला है, लेकिन वॉल्यूम काफी हाई देखने को मिला है, बेहद ज्यादा देखने को मिला है, जो कि एक बेहतर रिस्पॉन्स देखने को मिला है। वहीं सेल्स की बात करूँ तो 31 करोड़ का सेल्स दे चुकी है। वहीं कंपनी पे कर्ज की बात करूँ तो 24 करोड़ का इस कंपनी पे कर्ज है, और सेल्स ग्रोथ देखिए तो माइनस में देखने को मिला है। रिजर्व की बात करूँ तो 128 करोड़ का रिजर्व है दोस्तों, लेकिन एक केस में इसने काफी कमाल का रिटर्न दिया है, 700% का रिटर्न दिया है दोस्तों। तो इस कंपनी का नाम बता दूँ, NSE और BSE दोनों पे लिस्टेड है दोस्तों। तो इस कंपनी का नाम है FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड है दोस्तों, जो कि काफी अच्छा रिटर्न्स दिया है दोस्तों। कंपनी ने बाउंस बैक कर दिए दोस्तों, तो आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो, वाई कंसीडर कर सकते हो, काफी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। अगला जो पेनी स्टॉक है दोस्तों, जिसका करेंट प्राइस की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो काफी अच्छा करेंट प्राइस है, 6.20 रुपया का पेनी स्टॉक है, जिसका एक ईयर रिटर्न्स की बात करूँ तो इसने 278% का रिटर्न दिया है, जो कि बेहतर रिटर्न्स देखने को मिला है। वहीं मैक्सिमम चार्ट की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑल टाइम्स इसने 44% की तेजी देखी गई है, जो कि बेहतर रिटर्न्स देखने को मिला है। वहीं 6 मंथ में आप देख सकते हो, 5 ईयर्स में भी देख सकते हो, 5 ईयर्स में 248% का रिटर्न्स देखने को मिला है, बेहतर रिस्पॉन्स आया है। वहीं 6 मंथ में आपका रिटर्न्स की बात करूँ 74% का रिटर्न्स दिया है। अगर इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर 5,000 रुपया भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो काफ़ी अच्छा इसका रिटर्न्स देखने को मिलता है दोस्तों, 2 लाख रुपया का पैसा बना देती है। अगर 5 रुपया भी इन्वेस्टमेंट करते तो 2 लाख रुपया इसको बना देती पैसा को, जो कि एक बेहतर रिटर्न्स दिया है दोस्तों। 1 मंथ में आप देख सकते हो 148% की तेजी देखी गई है, जो कि कंपनी ने बाउंस बैक शुरू कर दिया है दोस्तों। अगर इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है तो कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देने वाली कंपनी है। वहीं 5 डेज़ के दौरान देखें तो 2% की तेजी दिखी गई, जो एवरेज देखने को मिला है। वहीं 1 डेज़ के दौरान देखें तो 5% का रिटर्न्स दिया है दोस्तों। काफ़ी उतार चढ़ाव देखने के बावजूद इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स भी देना शुरू कर दिया। तो दोस्तों आप इसको और तरह से एनालिसिस करके बताते हैं दोस्तों। जिसका मार्केट कैप की बात करूँ तो 517 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है, जो कि आप देख सकते हो करेंट प्राइस 6.15 रुपया, हाई और लो की बात करूँ तो 1.42 रुपया से उठकर 6.76 रुपये हाई लगा चुकी है। PE 30.01 है, बुक वैल्यू 2.20 रुपया देखने को मिला है। वहीं डिविडेंड ईयर 0 देखने को मिला है। ROCE की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो 9.48%, ROE 7.7%, फेस वैल्यू 1 रुपया देखने को मिला है। प्रमोटर ने इसमें काफ़ी पैसा अच्छा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, 27% का है। और डेथ ऑफ इक्विटी की बात करूँ तो 0.19 है। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट 17.05 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। वहीं वॉल्यूम की बात करूँ तो काफ़ी हाई वॉल्यूम देखने को मिला है। वहीं सेल्स की बात करूँ तो 44 करोड़ का सेल्स दे चुकी है। कंपनी पे कर्ज की बात करूँ तो कंपनी पे कर्ज है 34 करोड़ का कर्ज है इस पर। वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो काफ़ी हाई सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है, 43.9% का देखने को मिला है। वहीं रिजर्व की बात करूँ तो 101% का रिजर्व देखने को मिला है। वहीं रिटर्न्स की बात करूँ तो 273% का रिटर्न्स दिया है दोस्तों, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है दोस्तों। तो दोस्तों इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इस कंपनी का नाम बता दूँ, BSE और NSE पे दोनों पे लिस्टेड है, और इस कंपनी का नाम है एडवेंचर ग्रोथ एज सिक्योरिटीज लिमिटेड है दोस्तों। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है दोस्तों, जो भी पेनी स्टॉक होगा हाईएस्ट रिटर्न्स देखने को मिलेगा दोस्तों, हम अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं दोस्तों। तो चलिए अगला जो पेनी स्टॉक है, जिसका करेंट प्राइस की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो 8.05 रुपया का पेनी स्टॉक है। एक ईयर रिटर्न्स की बात करूँ तो इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है, पास्ट ईयर में काफ़ी अच्छा ट्रैक बनाई है और काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया दोस्तों। कंपनी बाउंस बैक करी है और 140% का पिछले पास्ट ईयर में रिटर्न्स देखने मिला है। वहीं मैक्सिमम चार्ट की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो एक समय ये 40 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, जिसमें इसका इस समय फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। धीरे धीरे इसमें डाउनफॉल देखने को मिला और 1-2 रुपये के आसपास ट्रेड करने लगी, फिर इसने कम बाउंस बैक करना शुरू कर दिया है दोस्तों। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देना शुरू कर दिया है दोस्तों। कंपनी ने बाउंस बैक करना शुरू कर दिया, 4 रुपये का पेनी स्टॉक आज 8 रुपये पर ट्रेड कर रही है। देख सकते हो 3.80 रुपया नवंबर में हुआ करता था, आज देखे तो 8.05 रुपया। तो कंपनी ने बाउंस बैक शुरू कर दिया है। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करने का इच्छुक है तो आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में भी बेहतर होगा कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिल सकता है दोस्तों। वहीं आप 6 मंथ में आप देख सकते हो 0.0, मतलब एवरेज से भी कम देखने को मिला है, लेकिन 1 मंथ में ये देखे तो 42% की तेजी देखी गई है। पिछले 6 मंथ के मुकाबले 1 मंथ में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है। वहीं 5 डेज़ के दौरान देखे तो थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला था बीच में, फिर इसमें बाउंस बैक कर दिया है, लेकिन कंपनी ने माइनस में नहीं गई है, मतलब डाउनफॉल पूरा तरह से नहीं गई है, कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स भी दिया है। वहीं 1 डेज़ के दौरान 5% की तेजी देखी गई है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिला है। तो दोस्तों अगर इसमें 10,000 भी इन्वेस्टमेंट करते तो कल का आज 2 गुना से भी ज़्यादा का रिटर्न्स देखने को मिल सकता था, 10,000 को 1-1.5 लाख रुपया को पहुँचा देता। तो चलिए इसको और तरह से एनालिसिस करके हम आपको बताते हैं फंडामेंटल क्या है, स्ट्रॉन्ग है या लो है, उसको भी देख लेते हैं। जिसका मार्केट कैप की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो 4,000 करोड़ से भी एबव का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस 8.05 रुपया, हाई और लो की बात करूँ तो 2 रुपया से उठकर आज 9 रुपया, लगभग 10 रुपया हाई लगा चुकी है। बुक वैल्यू माइनस में देखने को मिला है, डिविडेंड ईयर 0 देखने को मिला है। ROCE की बात करूँ 13.6%, ROE की बात करूँ तो माइनस में देखने को, फेस वैल्यू 10 रुपया देखने को मिला है। वहीं प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो 44% का प्रमोटर होल्डिंग है, डेथ ऑफ इक्विटी 0 है, नेट प्रॉफिट माइनस में देखने को मिला है। वहीं आप यहाँ देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देना शुरू कर दिया है दोस्तों। वहीं आप देख सकते हो वॉल्यूम काफ़ी हाई देखने को मिला है। वहीं सेल्स की बात करूँ 2797 करोड़ का सेल्स दे चुकी है। कंपनी पे कर्ज की बात करूँ तो 12,000 करोड़ से भी एवो का कर्ज है। वहीं सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखने मिला है, 164% का सेल्स ग्रोथ है। वहीं रिजर्व की बात करूँ तो माइनस में है।
वहीं एक ईयर्स में इसने 130% का रिटर्न दिया है दोस्तों, जो कि पिछले ईयर्स के मुकाबले इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, जो कि बेहतर देखने को मिला है। तो इस कंपनी का नाम बता दूँ, NSE और BSE दोनों पे लिस्टेड है, और इस कंपनी का नाम है रतन इंडिया पावर लिमिटेड है दोस्तों। रतन इंडिया पावर लिमिटेड है जो कि जनरल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। तो इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो दोस्तों। तो अगला जो पेनी स्टॉक है जिसका करेंट प्राइस की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो काफी अच्छा करेंट प्राइस देखने को मिला, 12.75 रुपये का पेनी स्टॉक है। वहीं एक ईयर रिटर्न्स की बात करूँ इसने काफी अच्छा रिटर्न्स दिया है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो 2351% का रिटर्न्स दिया है दोस्तों। आप देख सकते हो मल्टीपल जैसा रिटर्न्स देखने को मिला है। वहीं मैक्सिमम चार्ट की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो एक समय ये 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी 1995 में, लेकिन अब इसने काफ़ी दिनों के बाद इसने बाउंस बैक करना शुरू कर दिया है दोस्तों। मात्र 20 पैसा के आसपास ट्रेड कर रही थी, लेकिन इसने बाउंस बैक करना शुरू कर दिया है, मतलब अब ये रॉकेट हो गया है। तो आप यहाँ देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है। तो आप एक समय आप देख सकते हो 2021 में अगर अक्टूबर के आसपास अगर 1 रुपये का पैनी स्टॉक अगर खरीद लेते और 1000 भी खरीद लेते आज ये 12 लाख रुपये बना कर दे देता, मतलब हाईएस्ट रिटर्न्स 4 गुना से 5 गुना का रिटर्न्स देखने को मिल सकता था। वहीं एक 6 मंथ में आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिला है। 6 मंथ में इसने मल्टीबगर जैसा रिटर्न्स को भी पीछे छोड़ रखा है, 190% की तेज़ी देखी गई है। वहीं 1 मंथ में आप देख सकते हो 162% का रिटर्न्स दिया है, जो 1 साल का रिटर्न्स है, जो ये सिर्फ 6 मंथ में इसने रिटर्न्स दिया है दोस्तों। तो आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। कंपनी ने बाउंस बैक करना शुरू कर दिया है और ये अब रुकने वाली नहीं है, बहुत दिनों के बाद इसने अपना जगह बनाई है। तो आप इस शेयर को बाय कंसीडर कर सकते हो। इसमें लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टमेंट करें तो बेहतर देखने को मिल सकता है, और शॉर्ट टर्म भी इन्वेस्टमेंट करें तो बेहतर देखने को मिल सकता है। वहीं 5 डेज के दौरान देखें तो 21% की तेज़ी देखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छा ट्रैक देखने को मिला है, काफ़ी अच्छा ट्रैक बना रही है, 21% का रिटर्न्स दिया है। वहीं आप 1 डेज के दौरान देखें तो 5% की तेज़ी देखी गई है, जो आप देख सकते हो एक पेनी स्टॉक, छोटा सा पेनी स्टॉक ने काफ़ी कमाल कर दिया दोस्तों। पैसा को कितना डबल बना सकता, इससे जो भी पैसा इसमें पैसा लगाया होता दोस्तों आज वो करोड़पति जरूर बन गया होता। तो दोस्तों इसको स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो इसका फंडामेंटल क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए उसका फंडामेंटल क्या है, जिसका मार्केट कैप की बात करो तो 273 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। वहीं करेंट प्राइस 12.08 रुपये, हाई और लो की बात करो 30 पैसा का पेनी स्टॉक आप देख रहे हो 12 रुपये हाई लगा चुकी है, 30 पैसा का पेनी स्टॉक 12 रुपये हाई लगा चुकी है। बुक वैल्यू 0.65 देखने को मिला है। वहीं आप डिविडेंट ईयर की बात करो 0 देखने, ROCE माइनस में है, ROE माइनस में है, फेस वैल्यू 10 रुपये देखने को मिला है। प्रमोटर ने इसमें काफ़ी अच्छा पैसा इन्वेस्टमेंट किया, 45% का प्रमोटर होल्डिंग है। डेथ ऑफ इक्विटी की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो 0.00 है, नेट प्रॉफिट माइनस में है। कंपनी के मार्केट कैप के अनुसार वॉल्यूम काफ़ी हाई देखने को मिला है। वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा 100% माइनस में देखने को मिला है, लेकिन इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देना शुरू कर दिया दोस्तों। वहीं सेल्स की बात करूँ तो 0 देखने को मिला है, डेथ की बात करूँ तो 0 है, और रिजर्व की बात करूँ तो 0 देखने को मिला है, लेकिन एक केस में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया दोस्तों, 2450% का रिटर्न्स देखने को मिला है, जो कि एक बेहतर रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया दोस्तों। तो आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जितना भी पेनी स्टॉक है स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस कर दिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर जो भी पेनी स्टॉक है एक से खुद से एनालिसिस करके एक बार देख लें, तभी इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बताएं दोस्तों, लेकिन हर तरह से एनालिसिस कर दिए हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।